हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर हेल्थ एंड हाइजीन. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, व्हाट दिस हेल्थ मीन्स एंड द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड. वी हैव सीन देयर आर मेजर फाइव कॉम्पोनेंट्स: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिंस, मिनरल्स एंड फैट्स, एंड टू अदर कॉम्पोनेंट्स, दैट इज वाटर एंड रफेज. Okay, and we have studied about the sources of proteins and the function of protein too. I hope you have revised all the things. Today we will study about carbohydrate. What is carbohydrate and what are the different sources of carbohydrate? From where we are going to get the carbohydrate? So open page number 49 of a chapter 5. Carbohydrates are energy giving nutrients. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं. दे प्रोवाइड अस एनर्जी. प्रोटीन्स क्या थे? दे वर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. वो हमारी बॉडी रिपेयर करते थे, सेल रिपेयर्स करते थे या ग्रोथ में हेल्प करते हैं. जबकि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं फॉर डूइंग अवर वर्क. द सोर्सेस आर व्हीट, राइस, कॉर्न, पोटैटो, ब्रेड, शुगर. दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स और द सोर्सेस ऑफ फूड्स that are rich in carbohydrates. Okay, coming on to fats, wasa. Fats give us more energy than carbohydrates. When we talk about fats, ये हमें carbohydrates से ज़्यादा energy देते हैं. Carbohydrate हमें energy देते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा fats देते हैं और instants देते हैं. Meat, जो sources क्या क्या हैं? Meat, vegetable oil, milk, butter, cheese, घी, cream and dry fruits are rich in fats. When we eat more fats than our body requires, then the excess fat gets accumulated in our body. तो जितनी भी बहुत ही oily चीज़ें होती हैं, घी, बटर, क्रीम, चीज़, इन सारी चीज़ों में हमें फ़ैट मिलता है और हमारी बॉडी को एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही फ़ैट का यूज़ करना चाहिए. क्योंकि जो एक्स्ट्रा फ़ैट होता है, अगर हमारी जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा अगर हम फ़ैट यूज़ करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा होता है वो हमारी बॉडी में वसा के रूप में नीचे, स्किन के नीचे में क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं और वो हमारे अंदर ओबेसिटी कॉज करते हैं. ओबेसिटी मीन्स मोटापा. ठीक है, तो जब हम ज़्यादा फैट लेते हैं हमारी बॉडी की ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो ओबेसिटी यानी कि हमारे अंदर फैटी एसिड का प्रोडक्शन करते हैं और हमारे अंदर मोटापा बढ़ जाता है. ठीक है, सो लर्न द सोर्सेस ऑफ फैट्स. कमिंग ऑन टू मिनरल्स, द सोर्सेस हियर आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस आर सम मिनरल्स दैट वी गेट फ्रॉम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स एंड फिशेस. ओके, मिनरल्स कीप अवर बॉडी फिट एंड हेल्दी. मिनरल्स क्या होते हैं? ये एक तरह से हमारी बॉडी को डिफरेंट ऐसी चीज़ों की कमियों से बचाते हैं जो कि हमारी बॉडी में थोड़े ही ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरत है. आयरन, इट इज़ अ काइंड ऑफ मिनरल, एक खनिज होता है. ये नहीं कि मैम ने बोला आयरन ज़रूरी है तो लोहे की हम बात करें कि जाके लोहा रॉड, जो आयरन रॉड है, खाने की कोशिश करें. ओके, दैट इज़ नॉट हियर. ये सारी चीज़ें बहुत ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत ही हमारे बॉडी में थोड़ी मात्रा में ज़रूरत होती है और ये हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलते हैं. ठीक है, और इनकी अगर कमी होती है तो हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिफिशियंसी डिसीज हो जाती है. एंड दिस कीप्स अवर बॉडी फिट एंड हेल्दी. लाइक अगर हम बात करते हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं हम कैल्शियम का. वी ऑल नो दैट आवर बॉडी, आवर बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. और अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम नाम के मिनरल की कमी होती है तो हमारे बोन्स एंड अवर टीथ ये बहुत ही वीक हो जाते हैं. ठीक है, सो फॉर गेटिंग स्ट्रॉन्गर बोन्स वी शुड टेक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन प्रॉपर अमाउंट. ठीक है, तो इसीलिए मिनरल्स की बहुत ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखने के लिए. एंड दे हेल्प अस नॉट टू गेट एनी काइंड ऑफ डिफिशियंसी डिसीज. ये यहाँ पे हम आगे जब पढ़ेंगे डिसीजेस में तो हम देखेंगे कि मिनरल्स किस तरह से हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कैल्शियम का. ठीक है, तो कैल्शियम की कमी से हमारे जो बोन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं और उनका फ्रैक्चर होने का डर ज़्यादा बढ़ जाता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो